अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों बच्चों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास फोर्थ इंग्लिश, यानी हमारा टॉपिक जो है वो है रॉबिन हुड। हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पढ़ना। बाय दिस टाइम द मैन had come so near that they could see him clearly. In usi waqt, the man had come so near, wo aadmi bahut nazdeek aa gaya, that they could see him clearly, ke usko saaf dikhai de sakta hai, that they could, yani wo usko saaf dikhai de sakte the. His clothes were dusted with flour. उसके कपड़े यानी आटे से ख़राब हो चुके थे। He carried a great sack of meal on his back. उसने एक बहुत बड़ा बोरा अपनी पीठ पे लादा हुआ था। As the man neared, आदमी नज़दीक पहुँचा, जैसे ही आदमी नज़दीक पहुँचा, Robin Hood's scores surrounded him. Robin Hood उसके आस पास इर्द गिर्द हो गया। Pretending to be robbers, यानी उसने जाहिर किया कि वो robbers हैं, लुटेरे हैं। Beware, होशियार हो जाओ, said the man. आदमी ने कहा, let me tell you that you are on Robin Hood's land. चलो आप मुझे बताओ कि तुम Robin Hood की सरजमीन से हो। If he finds you seeking to rob an honest craftsman, he will punish you. अगर आपको उसने ये पाया कि तुमने एक honest यानी दयानतदार आदमी को लूटा है, तो वो आपको सज़ा देगा। The warning, however, did not push the scores back. वार्निंग जो थी, हाउएवर, डिड नॉट पुश द स्कोर्स बैक, वो उनको पीछे नहीं धकेल सकी। द मैन देन पुट हिज सैक डाउन एंड नीलेड ऑन द ग्राउंड। उस आदमी ने अपना बोरा नीचे उतारा और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। एज ही ओपन हिज बैग, जो ही उसने अपना बैग खोला, ऑल द स्कोर्स मूव्ड फॉरवर्ड टू सी व्हाट ही डिड। वो सब लोग आगे आए और उन्होंने मूव्ड फॉरवर्ड टू सी व्हाट ही डिड, और देखने लगे कि वो क्या करेगा। सडनली द मैन थ्रू द फ्लोर इन टू देयर फेसेस, अचानक उस आदमी ने आटा निकाला और उन लोगों के चेहरों पर फेंक दिया। रॉबिन हुड लॉफ्ड एट द साइट, ये देखकर रॉबिन हुड बहुत हंसा। एंड आस्क्ड द मैन हू ही वाज, और आदमी से पूछा कि तुम वो कौन था। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया, आई एम मिलर्स सन, मैं एक मिलर का बेटा हूँ, इन चक्की पीसने वाले का बेटा हूँ। रॉबिन हुड देन प्रेज्ड द मैन, रॉबिन हुड उस आदमी की तारीफ करने लगा, फॉर हिज विट एंड ब्रेवरी एंड रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी, और उसने उसकी पूरी सच्चाई की शनाख्त को जाहिर कर दिया, बहादुरी को विट और रिवील कर दिया उनको। सो स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। हम इससे आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे दूसरी क्लास में। शुक्रिया।